हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत है। अभी मैं छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए, कपड़े धोए थे तो उनको डालने के लिए छत पे आई थी और धूप आई हुई है तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ फिर नीचे जाऊंगी क्योंकि इतनी बारी ऊपर आना नहीं होता। तो एक की बारी में हम लोगों ने सोचा चलो धूप थोड़ी देर धूप ले लेते हैं फिर नीचे जाएंगे। काम रहते हैं अभी नीचे, वो करना है, थोड़ी तैयारियां करनी है। और ईशू भी यहाँ पे बैठी है मेरे साथ। ईशू खा रही है ऑरेंज, हाय बोल दो। हेलो। तो ईशू यहाँ पे बैठ के ऑरेंज खा रही है, इसको भी मैं ले आई थी थोड़ी देर छत में। अभी पहले भी छत में आई थी दादी के साथ बट मम्मी अभी नीचे चले गए तो ये फिर वापस मेरे साथ ऊपर आ गई। तो चलिए थोड़ी देर धूप सेकते हैं यहाँ पे बैठ के फिर नीचे चलते हैं। जी मैं और ईशू नीचे आ गए थे थोड़ी देर धूप में बैठ के और टाइम भी हो गया, 11 बज गए। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी हम लोग बनाना शेक बना लें मम्मी और अपने लिए, क्योंकि आज क्या है हम लोगों ने एक ही टाइम खाना खाना है तो वो हम सीधे शाम को खाएंगे, उससे पहले नहीं खाना। क्योंकि कल जो है पापा की है बरसी तो एक दिन पहले ना कुछ ऐसे फास्ट टाइप का रखना पड़ता है, मतलब एक ही टाइम खाना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ी सी भूख सी लग रही थी मुझे तो मैंने सोचा कि चलो बनाना शेक बना लेते हैं, मम्मी भी पी लेंगी। ईशू उधर दादी के साथ लगी हुई है तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पहले बनाना शेक। बनाना शेक बना के ले आई हूँ मैं और थोड़ा पी लेते हैं, मम्मी को भी दे दिया है। ईशू नहीं पीती, ईशू को पसंद नहीं है बनाना शेक, उसको दूध ही पसंद नहीं, मतलब वो दूध से बहुत ज्यादा दूर है, उसको दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस ये है और कल है हमारे पापा की बरसी। बरसी जैसे साल भर जब हो जाता है ना तो उसके बाद होती है। तो अभी थोड़ा सा काम है, पर्दे वगैरह लगाने हैं। यहाँ के कर्टन्स तो मैंने चेंज कर दिए, चेंज कर रही थी कर्टन्स बट रूम के नहीं कर रहे, रूम के ही करने हैं। अभी थोड़ा सा ये लॉबी वाला जो एरिया ये थोड़ा सेट करना है अच्छे से, तो थोड़े से काम हैं अभी। बाकी और मोटे मोटे काम जो है वो मैंने खत्म कर दिए, बस हल्के फुल्के से ही है, सेटिंग सूटिंग वाले काम रहते हैं तो ये करते हैं हम लोग। आई थिंक शाम तक यहाँ पे टेंट भी आ जाएगा, कल के लिए जो टेंट लगेगा बाहर पे तो शायद वो शाम को आ जाएगा, शाम को यहाँ पे पहुंचा के चले जाएंगे। तो ठीक है चलो मैं मिल्क शेक पीती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने सोफों की सेटिंग और ये मेरा लिविंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस बन जाए अच्छे से इसलिए सोफे थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर रही थी। और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा मैंने समेट लिया था और यहाँ पे अभी मैं सोफे के कवर वगैरह बिछा के सोफे अच्छे से रेडी करके रख दूँगी। और इसके बाद यहाँ पे ये करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और अपने रूम में बाकी और सारी जगह मैंने कर्टन्स लगा दिए थे, बस हमारे रूम के रहते थे। तो बस जी यहाँ पे मैंने कर्टन्स चेंज कर लिए थे रूम के। और जी अभी मैं और दीदी जा रहे हैं मार्केट खरड़ की। ऐसे मुंह मत फुला, फोन मिल जाएगा तुझे, फोन दे दो यार, दोनों में से एक के पास भी नहीं है। थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा काम है, एक्चुअली पंडित जी का कुछ सामान रह गया था तो वो सामान लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी हेपरी लोकल मार्केट में। अरे नहीं पूछ रहा है, अरे पैसा तो घर में लगा लो, घर से क्या करा था। और यहाँ पे अभी टेंट वाले भैया लोग भी आ गए पीछे, अभी टेंट रख के जाएंगे शायद, ये लगाना लगूना कल ही करेंगे, अभी सिर्फ रख के जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए। हम लोग पहुंच गए अपनी लोकल मार्केट जो हमारे घर से 10-15 मिनट की ही दूरी में है, और मैं और दीदी गए थे एक्टिवा में। तो हमने जो भी सामान लेना था, बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, तो वो लेके हम लोग फिर फ्री हो गए थे यहाँ से। घर पहुंच चुके हैं और 4 बजने वाला टाइम, शाम के 4 बजने वाले हैं। और अभी खाना भी बनाना है, किचन में दाल तो बना रखी है, रोटी सब्जी और चावल बनाने, क्योंकि ना आज क्या है मतलब थोड़ा जल्दी हमें खाना पड़ेगा, सूरज ढलने से पहले हम लोग को खाना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी बना के फटाफट खा के हम लोग फ्री हो जाएंगे। और थकान बहुत ज्यादा लग गई है आज सुबह से ही, मतलब कभी कुछ काम कभी कुछ काम कभी कुछ काम, ऐसे ही काम होने में लगे पड़े तो थकान हो गई है। आज और कल का दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाला है
और टेंट भी लग गया था। अभी हम मार्केट से आए थे तो तब मैंने देखा था। आप ये देखिए, टेंट पूरा लग चुका है, बाहर पे व्हाइट कलर का टेंट लगाया है। बाकी अच्छे से जो सेटिंग वगैरह ये लोग कल सवेरे आकर ही करेंगे, क्योंकि जो बच्चे का प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम, वो थोड़ा सा रुक के होगा, लेट होगा। 11 बजे तक पंडित जी ने आना है, उसके बाद ही होगा। तो देखते हैं कल क्या रहता है, कैसा रहता है प्रोग्राम। फिलहाल अभी हम लोग करते हैं खाने की तैयारी, और खाना आई थिंक ऊपर दीदी के वहीं बनाना है, एक साथ ही बनाना है। बस ही तो ऑफिस को ले गए हैं, वो ऑफिस में खा लेंगे, बाकी हम लोगों ने सबने ऊपर मिलकर खाना है। तो वहीं चलते हैं किचन में दीदी के और वहीं बनाते हैं खाना। और यहाँ पे हमारी बन रही है सब्जी, चूल्हे पे चढ़ा दी है सब्जी। आज हम बना रहे हैं इसमें मिक्स वेज, और साथ में रखे हुए हमने कुकर में चावल। जी खाना हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, सब्जी बन गई, दाल चढ़ रही है, चावल बन गए, अभी रोटी बनाने की तैयारी चल रही है बस। और दीदी यहाँ पे वेट कर रही है, तवा गर्म हो रही है, जैसे तवा गर्म होता है फटाफट हम लोग रोटियां सेकते हैं इसमें। और ये रहा मैडम का आज का ड्रेस, साड़ी क्योंकि ना क्या कहते हैं साड़ी, हाँ साड़ी पहन के बनाते हैं खाना ना आज, हाँ मतलब ऐसे सूट या कुछ पहन के नहीं बनाते, साड़ी पहन के बनाते, तो दीदी ने इसलिए साड़ी पहनी हुई है। तो बस जल्द से फटाफट खाना बनता है, फिर हम लोग खाते हैं, और टाइम भी हो गया, 4:30 हो गए जी। हमने खाना खा लिया है और 6 बज चुके हैं, और अभी मैं और दीदी जा रहे हैं एक और काम के लिए। हमारा एक और काम रहता है, और वो काम है पड़ोस में निमंत्रण देने का। वैसे मैसेज तो हमने सबको कर ही दिया था ऑलमोस्ट, बट एक बार ही घर में जाके भी सबको निमंत्रण दे देते हैं। नहीं तो शुरुआत करो फिर बगल से, हेलो पड़ोस से स्टार्ट करो। पहले यहाँ आए मोनिका दी के वहां, तो बस सबसे पहले अपने पड़ोस में अगल बगल करके फिर हम पीछे को गली के उसे राउंड गली जो है पूरी यहाँ पे निमंत्रण देंगे। चलो जी, एक घर आमने सामने। ईशु भी आई है यार हमारे साथ निमंत्रण देने, है ना ईशु? इनविटेशन देने पर भी मैंने, ये तो है शायद। आ गया, आ गया। अभी शाम हो चुकी थी, रात हो गई थी, रात के 9 बजने वाले थे, और अभी आए थे भैया लोग। ये हमने कुछ फोटो फ्रेम्स थी लगानी थी, काफ़ी दिन से हम 2-3 दिन से भैया को बुला रहे थे, पर भैया के पास टाइम नहीं था, तो आज फाइनली भैया आ चुके थे। और ये पेंट जब हमने करा था तो उस टाइम पे ये सारी फ़ोटोज़ निकाली थी, तो अब वापस इनको लगाना था, तो इसलिए भैया लोगों को बुलाया था, और भैया लोग आ गए थे लगाने के लिए। तो जी बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नई व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।